हेलो दोस्तों, मैं मधुर गौर स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द सर्च इंजन पर। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ऐसी कंपनी के बारे में जिसने एक का डबल कर दिया। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, एक का डबल। वो लोग क्या करते हैं ना, सारा पैसा ना चिट फंड में डालते हैं। 21 दिन बाद पैसा डबल, उसके और 21 दिन बाद पैसा 4 गुना, उसके और 21 दिन बाद पैसा 8 गुना, उसके 16 गुना, 32 गुना। दोस्तों, लगभग अक्टूबर और नवंबर में ये कंपनी आई थी। इसका नाम था एल्जा एनर्जी। मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ, इस कंपनी का नाम था एल्जा एनर्जी। ये कंपनी ने लोगों को सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी इन्वेस्टमेंट के नाम पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के इन्वेस्टमेंट प्लान्स दिखाए। एक जमाना था जब हम भी गरीब हुआ करते थे, रातों रात करोड़पति हो गए हम। रातों रात करोड़पति? हाँ। कैसे? 25 दिन में करोड़पति। करोड़पति 25 दिन में? एक स्कीम है, अमीरों की स्कीम मेरे हाथ लगी है। 25 दिन में पैसा डबल। 25 दिन में पैसा डबल? तो मुझे भी डबल कराना है पैसा। और लोगों को बोला आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए और हम आपका पैसा 40 दिन में, 50 दिन में, 20 दिन में और 100 दिन में डबल और ट्रिपल करके देंगे। फिर क्या था, लोगों ने दबा के इन्वेस्टमेंट कर दिया। बंगले पहुंचो, मैं अभी पैसे लेकर पहुंचता हूं। दोस्तों, आपको पता है हर कोई आदमी शॉर्टकट में पैसा कमाना चाहता है, बट ऐसा नहीं है। पैसा जो कमाना होता है वो अपनी मेहनत से कमाना होता है। शॉर्टकट में आपको कभी भी पैसा नहीं मिलेगा, तो इस तरह की चीजों पे आपको ध्यान नहीं देना है। समझ गए ना? हाँ। तो भैया, बात ऐसी है, कंपनी लोगों का पैसा लेकर के भाग गई है। उनका 40 का 80 तो नहीं हुआ, 40 का 20 जरूर हो गया। अरे भाई साहब, हम लोग यहाँ हमारा डबल लेने के लिए खड़े हैं। डबल पगार मिलेगा बोलकर नौकरी पे रखा था, आज यहाँ आए तो पता चला कि सब रफू चक्कर है। क्या? हा? अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। अरे वो लड़की चले गई। तो भैया, बात ऐसी है, कंपनी ने बना दिया लोगों का उल्लू और हाथ में दे दिया उनके बाबा जी का टुल्लू। तो भैया, बात ऐसी है, पहले मैं गरीब था, मेरे दोस्त ने कहा एल्जा में पैसा लगाओ, अब मैं बहुत ज्यादा गरीब हूँ। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, पैसे कमाने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। तो वापस से मैं आपको रिपीट करना चाहूंगा, ऐसी गलती ना करें। बाबा, तू पनौती मत मार रे। ए मंगल मूर्ति, ए देवा, मेरा पैसा डबल हो जाएगा ना रे। तो भैया, मजाक तो हो गई बहुत। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि अब आपको करना क्या है कि वो आपका पैसा आप तक वापस पहुँच जाए। कंपनी तो आपको देगी नहीं क्योंकि वो भाग चुकी है। अब मैं आपको बताऊँगा कि आप अपने पैसे को कैसे 3 स्टेप्स में वापस ले सकते हैं। स्टेप नंबर 1, जिन UPI आईडी से आपने पैसे ट्रांसफ़र किए थे, सबसे पहले सभी लोगों से वो UPI आईडीज आपको कलेक्ट कर लेनी है। स्टेप नंबर 2, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में आपको जाना है और वहाँ पर एक FIR लॉन्च करनी है और उस FIR के साथ UPI IDs, रेफरेंस नंबर्स और कंपनी की वेबसाइट के स्क्रीनशॉट्स आपको अटैच कर देने हैं। और हाँ, बाद में एक उसका कॉपी भी आपको ले लेना है, जो कि आपको नेक्स्ट स्टेप नंबर 3 में काम आएगी। अब भैया, आते हैं स्टेप नंबर 3 में। स्टेप नंबर 3 में आपको क्या करना है, उन UPI IDs के जो भी बैंक हैं उनके नियरेस्ट ब्रांच में जाना है और वहाँ पर एक कंप्लेंट लॉन्च करनी है और साथ में अपना FIR का कॉपी, ट्रांजेक्शन रेफरेंस नंबर और जो भी आपके पास स्क्रीनशॉट्स और जो भी डिटेल्स हैं वो सब अटैच कर देनी है। अब यहाँ पे आपका काम हो जाता है खत्म। अब जो भी करना है वो बैंक को करना है। इधर आ, बैग नीचे रख और जो बताया समझ गया ना? हाँ, समझ गया। चलिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ उसके बाद बैंक क्या करने वाला है। जिस भी ब्रांच में आपने अपना कंप्लेंट लॉन्च किया है वो ब्रांच एक मेल रेज करेगा अपने डेटा सेंटर को आपकी दी हुई डिटेल्स के साथ। उसके बाद में डेटा सेंटर क्या करेगा, डेटा सेंटर जितने भी UPI IDs हैं उन पर रिलेटेड डिटेल्स सर्च करेगा, जिसमें से जो भी अकाउंट नंबर उनको मिलेगा वो उसको फ्रीज कर देंगे। इसके बाद जो चोर कंपनी है ना, वो पैसा नहीं निकाल पाएगी। तो दोस्तों, मेरा कहना यही है, जो अभी हो गया हो गया, उसका कुछ नहीं हो सकता, लेकिन आगे से इन्वेस्टमेंट करने से पहले 20 बार सोच जरूर लें। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। समझ गए ना? हाँ।
दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे कि आने वाले नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलते रहें।